नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर काम शुरू। बिहार को मिलेगी पांचवी वंदे भारत ट्रेन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। इस साल नेपाल से आया रिकॉर्ड तोड़ पानी। उत्तर बिहार पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन ने की टीम इंडिया के पूर्व कप्तान माही को लेकर बड़ा खुलासा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर काम शुरू। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के पद स्थापन जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि इस कमेटी का गठन 2 जुलाई को इसी महीने हुई थी और कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। बिहार में दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मिली चेतावनी। पटना जिले में 78,885 दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं, जिनमें 21 दिन से अधिक समय से 30,135 आवेदन और 63 दिनों से अधिक समय से 39,182 आवेदन लंबित हैं। अब दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने चेतावनी दी है और दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन करने को कहा है, नहीं तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी। 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स के साथ देश भर में पांचवें स्थान पर पहुंची बिहार पुलिस। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 12,70,000 फॉलोअर्स के साथ बिहार पुलिस कुल फॉलोअर्स की संख्या में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गई है। फेसबुक पर बिहार पुलिस तीसरे स्थान पर है, जबकि एक्स और इंस्टाग्राम पर 7वें स्थान पर। बिहार पुलिस की इस सफलता को देखते हुए शनिवार को राजस्थान पुलिस की टीम पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची और सोशल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस को बताया कि नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के तहत विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायत एवं सुझावों पर 2 घंटे से भी कम समय में उचित जवाब देकर उनका समाधान किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा बिहार पुलिस द्वारा दुष्प्रचार एवं भ्रामक खबरों का भी तत्क्षण खंडन कर घटना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा की जा रही है। इस साल नेपाल से आया रिकॉर्ड तोड़ पानी। उत्तर बिहार पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। नेपाल में भारी बारिश और बिहार में भी मॉनसून की सक्रियता की वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सोमवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का CM नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। वहीं अब बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि साल 2004 के बाद इस बार नेपाल में सबसे अधिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोसी बराज और गंडक बराज में रिकॉर्ड पानी आया है, जो पिछले 15 सालों में सबसे अधिक है। जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि 2004 के बाद बिहार में नेपाल से इतना पानी नहीं आया, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इंटर में नामांकन के लिए बिहार बोर्ड ने जारी की मेधा सूची। राज्य के +2 स्कूलों में इंटर में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को प्रथम मेधा सूची जारी कर दी है। परीक्षा समिति के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स www.ofssbihar.org पोर्टल पर जाकर मेधा सूची देखा जा सकता है। नामांकन के लिए विद्यार्थी को इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा। अपना यूजर ID डालकर विद्यार्थी अपना लेटर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी आवंटित संस्थानों में जाकर अपना नामांकन ले सकेंगे। अनंत राधिका की वेडिंग कार्ड में बिहार की बेटी का गाया मंत्र शामिल। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारी जोरों पर है। अंबानी परिवार की ओर से सभी मेहमानों को वेडिंग कार्ड भी भेज दिया गया है। सोने चांदी से जड़ा यह कार्ड लगभग 6 लाख का है और इस पर बिहार की बेटी माधवी मधुकर की आवाज में मंत्र गूंज रहा है। कभी इंडियन आइडल में रिजेक्ट हो चुकी माधवी की आवाज नीता अंबानी को बहुत पसंद आई और उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनसे संपर्क किया गया और उनके गाये विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी के कार्ड और विवाह के दिन इस्तेमाल करने की परमिशन ली गई। माधवी ने अपने मंत्र के लिए अंबानी परिवार से कोई फीस नहीं ली है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य लाभार्थियों को जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन ऐप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अब इस योजना के लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से RTPS काउंटर पर जाकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन ही आवेदनों की जांच एवं मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और साथ ही ऑनलाइन ही लाभुकों के बैंक खातों में सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इसके लिए ऐप तैयार किया जा चुका है और इसकी तकनीकी जाँच बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जा रही है। पटना आरा सासाराम सहित बिहार में 3 सड़क परियोजनाओं का होगा काम शुरू। इस वर्ष 2024 में बिहार में 3 अहम सड़क परियोजनाओं का काम शुरू होने जा रहा है। इन तीनों सड़क परियोजनाओं की कागजी प्रक्रिया इसी बरसात की अवधि में पूरी कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस 3 सड़क परियोजनाओं में पटना आरा सासाराम परियोजना, कच्ची दरगाह रामनगर और मोकामा मुंगेर सड़क परियोजना शामिल है। अभी इन सड़क परियोजनाओं के जमीन अधिग्रहण के काम में विभाग जुटा हुआ है और इसके लिए जिला प्रशासन से लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद इसका टेंडर कर काम अवार्ड किया जाएगा और इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू करने की भी कोशिश की जाएगी। 2 दिवसीय पेल्विक फ्लोर रिहैब हैंड्स ऑन वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन। एंड्यूरिंग रिहैब क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा 13 और 14 जुलाई को पटना के होटल सिद्ध वेदांता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति डॉक्टर सुनीता पटेल फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा महिला फिजियोथेरेपिस्ट को कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां पेल्विक ऑर्गन्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स की शारीरिक रचना, फिजियोलॉजी, कार्य और शिथिलता, स्वास्थ्य और PFM के बारे में जागरूकता आदि बताई जाएगी। IPOP, बवासीर, योनि शिथिलता, पेल्विक दर्द, महिला यौन दर्द और वेजिनिस्मस डिस्पेरियूनिया, कम संवेदना और कई अन्य स्थितियों की विस्तृत समझ और अन्य कई चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुषमा पांडे, डॉक्टर अभय जायसवाल, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर अविनाश भारती, डॉक्टर जोशनी पांडे, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर हेमंडू सिंह, डॉक्टर प्रणव आदि रहेंगे। पटना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की AC खराब होने पर फूटा यात्रियों का गुस्सा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सोमवार की देर रात हैदराबाद जाने वाले इंडिगो के विमान का AC खराब हो गया। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6223 पटना हैदराबाद में बोर्डिंग के कुछ देर बाद ही यात्री पसीने से तरबतर हो गए और AC चालू करने की मांग करने लगे, लेकिन 1 घंटे तक कोई समाधान नहीं निकलने पर विमान में बैठे यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हंगामे की वजह से प्रबंधन को यात्रियों को विमान से बाहर निकालना पड़ा। मामले पर अब तक इंडिगो प्रबंधन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। VVPL अकाउंट में पड़े राशि को शिक्षा विभाग लेने की कर रहा तैयारी। राज्य के विश्वविद्यालय के PL अकाउंट में 2,000 करोड़ रुपए जमा हैं। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को इस राशि को लेकर आगाह भी किया, बावजूद इसके इस राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह राशि वर्ष 2018-19 के विभिन्न मदों में दी गई थी, लेकिन विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने पर इसमें अभी तक 2,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब इस राशि को शिक्षा विभाग वापस लेने की तैयारी कर रहा है। विभाग द्वारा जमा राशि का उद्यतन ब्यौरा विश्वविद्यालय से लिए जा रहे हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। बख्तियारपुर की परियोजनाओं का CM नीतीश ने किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन सोमवार को उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया था और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। वहीं आज मंगलवार की सुबह CM नीतीश बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर प्रखंड के घुंसरूपुर स्थित गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। वहीं इसके अलावा भी कई परियोजनाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विजय चौधरी, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
चिराग को मिला अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का ऑफिस वापस। केंद्रीय मंत्री व लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का पुराना पटना वाला पार्टी ऑफिस वापस मिल गया है, जिसे रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा तोड़कर चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दफ्तर अपने पास रख लिया था और तब से ही यह ऑफिस पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास था, जिसे अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया गया है। सोमवार को भवन निर्माण विभाग के उप सचिव द्वारा चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को यह परिसर आवंटित किए जाने के संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर जानकारी दी गई। भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन ने की टीम इंडिया के पूर्व कप्तान माही को लेकर बड़ा खुलासा। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में से एक हैं। वे अपने खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए जाने जाते हैं। अब धोनी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी बात कही है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो बात उनसे 15 साल पहले की थी वो अब तक उनके काम आ रही है। रेव स्पोर्ट्स से बात करते हुए अश्विन ने कहा कि 15 साल पहले धोनी ने उनसे कहा था कि वह लगातार अपने खेल में नयापन लेकर आएं। अश्विन ने कहा कि धोनी हमेशा उनसे कहते थे कि आपकी सबसे महान चीज और सबसे मजबूत चीज नई चीजों को खोजना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद असगर कमाल, कुश कुमार यादव, सादुल्लाह पालवी, संतोष कुमार, रंजीत मिश्रा, शंकर कुमार चौधरी, राकेश मिश्रा, बाबुल मरांडी, रवि कुमार राम, जितेंद्र ठाकुर, देवेंद्र प्रसाद, अबू फैजी, मोहम्मद इरवान, मोहम्मद इरफान, राम बाबूदास, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाए जाने के बाद आपके क्षेत्र में स्कूल की कैसी स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।